अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं। चलिए हमें डिस्कस करते हैं। लाइबिलिटीज़ आर लीगल ऑब्लिगेशंस टू पे ऑन डिमांड और इन फ्यूचर मींस कमिटमेंट डेट और एनी अमाउंट विच इज़ लाइबल टू पे इज़ कॉल्ड लाइबिलिटीज़। क्या मतलब है इस डेफिनेशन से? मुराद ये है कि वो तमाम अमाउंट जो कि बिज़नेस पर ड्यू है, मतलब कि बिज़नेस को अदा करना है किसी भी सूरत में, उसको कहते हैं लाइबिलिटीज़। आसान लफ्ज़ों में अगर कहूँ तो बिज़नेस पर अगर किसी किस्म का कर्ज़ा है या किसी किस्म की ज़िम्मेदारी है जो कि उसे अदा करनी है तो उसे कहते हैं लाइबिलिटीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल के बिज़नेस से अगर हम कोई चीज़ उधार पर परचेज़ करते हैं तो जिस शख्स से हमने उधार पर सामान परचेज़ किया है उसका उधार हमें अदा करना है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है क्योंकि वो हम पर ज़िम्मेदारी है, कर्ज़ा है। इसी तरह से अगर हम एम्प्लॉइज से काम लेते हैं तो एम्प्लॉइज़ की सैलरी हमें अदा करनी है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है, हम पे कर्ज़ा है, वो भी हमारी लाइबिलिटी है। तो ये तमाम की तमाम जो है हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो कि बिज़नेस को अदा करनी होती हैं, बिज़नेस पर कर्ज़ा होते हैं। लाइबिलिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, और दूसरी है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। आइए डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ अमाउंट्स ओड बाय बिज़नेस टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल डेट शुड बी पेड विद इन वन ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। मीन्स करंट लाइबिलिटीज से मुराद वो तमाम लाइबिलिटीज जो कि एक साल के अंदर अंदर बिजनेस को अदा करनी हो उन्हें कहा जाता है करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल के अगर हम किसी से उधार पर सामान परचेज करते हैं यानी मर्चेंडाइज या सामान कोई भी परचेज करते हैं तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने, दो महीने या तीन महीने का उधार देता है। इट मीन्स कि वो लाइबिलिटी हमें एक साल के अंदर अंदर अदा करनी है। जब वो लाइबिलिटी अगर हमें एक साल के अंदर अदा करनी है तो उसे हम कहते हैं करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ की कुछ टाइप्स हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट्स पेबल, एसेट्स में हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स और रिसीवेबल, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल से मुराद ये थी कि अगर मैं किसी शख्स को उधार पर कोई सामान बेचता हूँ और मुझे उससे उधार लेना है तो उसे हम कहते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। इसी तरह से अगर मैं किसी शख्स से उधार पर कोई सामान परचेज़ करता हूँ यानी ख़रीदता हूँ तो मुझे उसका उधार अदा करना है। अगर उधार मुझे अदा करना है तो मुझ पर ज़िम्मेदारी है यानी कि लाइबिलिटी है, और अगर उधार अदा करना है तो उस उधार को हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स मीन्स उधार और पेबल मीन्स मुझे वो उधार अदा करना है। जिस तरह से अकाउंट्स रिसीवेबल एक ओरल कमिटमेंट था, बिल्कुल इसी तरह से अकाउंट्स पेबल भी ओरल कमिटमेंट है। फिर अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ हमने एक और टर्म डिस्कस की थी नोट्स रिसीवेबल। नोट्स रिसीवेबल था कि जब आप कस्टमर को उधार पर सामान बेचते हैं लेकिन वो आपको रिटर्न में लिख कर दे देता है कि वो आपको उधार कब अदा करेगा तो उसे आप कहते थे नोट्स रिसीवेबल। बिल्कुल इसी तरह से जब आप यहाँ पर किसी से उधार पर सामान परचेज़ करते हैं और उसे लिख कर दे देते हैं कि आप उधार उसे कब अदा करेंगे तो उसे हम कहते हैं नोट्स पेएबल। नोट्स पेबल एक रिटेन कमिटमेंट है जिसमें एविडेंस मौजूद है कि आपने किसी से उधार पर सामान परचेज़ किया है और वो उसको उधार आपको अदा करना है। एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब हम कोई सामान परचेज़ नहीं करते बल्कि सर्विसेज हासिल करते हैं और उन सर्विसेज के अगेंस्ट हमें पैसा अदा करना होता है, मीन्स के उधार पर कोई सर्विस अगर हमने यूज़ की है और पैसे अदा नहीं किए तो वो सर्विस हमारे लिए कहलाती हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी के महीने में आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो जनवरी में अदा नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी का बिल अदा करेंगे नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी में, तो जनवरी के महीने में बिल आप पर ड्यू हो जाता है, मींस के बिज़नेस पर बिल ड्यू हो गया लेकिन बिज़नेस में वो बिज़नेस ने वो बिल अभी तक अदा नहीं किया। अगर अदा नहीं किया तो वो बिज़नेस पर लाइबिलिटी है, इसे कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। मींस कि किसी भी किस्म की सर्विस जब आप ले लेते हैं और उसकी पेमेंट ना करें अभी तो उसे कहते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस। एक और एग्जांपल देखते हैं, आपने अपने एम्प्लॉयज़ से फरवरी के महीने में काम ले लिया। वुमन ऑर्गेनाइजेशंस में ये होता है कि जिस महीने में काम लिया जाता है उस महीने सैलरी अदा नहीं की जाती बल्कि नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट या फिफ्थ तारीख को जो है वो सैलरी पे की जाती है। अगर फरवरी के महीने में काम ले लिया आपने एम्प्लॉयज़ से लेकिन उनको सैलरी अदा नहीं की, आप उनको मार्च के महीने में सैलरी अदा करेंगे तो फरवरी के महीने की सैलरी आप पर यानी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन पर ड्यू हो गई जो कि उन्होंने अभी अदा नहीं की। जब अदा नहीं की तो वो आप पर लाइबिलिटी है यानी बिज़नेस पर लाइबिलिटी है, और क्योंकि ये सैलरी जो है वो एक साल के अंदर अंदर अदा करनी है इसीलिए ये कहलाती है करंट लाइबिलिटीज़। नेक्स्ट है अनर्न्ड। अनर्न्ड से मुराद है वो तमाम अमाउंट जो कि आप किसी सर्विसेज के बदले एडवांस में रिसीव कर लेते हैं ताकि आप उनके बदले जो है वो सर्विसेज फ्यूचर में प्रोवाइड करेंगे अपने कस्टमर्स को, उन्हें कहा जाता है अनर्न्ड।
अनर्न्ड आपके लिए लायबिलिटी है। किस तरह से लायबिलिटी है? इस तरह से कि अगर मैं आपसे किसी सर्विस के बदले पैसे रिसीव कर लूँ और मैं कहूँ कि मैं आपको काम बाद में करके दे दूँगा, तो जो पैसे मैंने आपसे रिसीव किए हैं वो पैसे मैंने कमाए नहीं है, बल्कि मुझ पर एक किस्म की ज़िम्मेदारी, एक किस्म का कर्ज़ा है कि मुझे या तो आपका काम करके देना पड़ेगा, या अगर मैं काम नहीं कर सका तो मुझे आपके पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये मेरे लिए लायबिलिटी है, यानी मुझ पर ज़िम्मेदारी है एक किस्म की। तो अनअर्न्ड बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी एक साल के अंदर अंदर अदा करनी होती है, इसीलिए कहलाती है ये करंट लायबिलिटी। नाउ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट से क्या मुराद ये है? बैंक ओवरड्राफ्ट से मुराद ये है कि जब आप अपने बैंक अकाउंट में जितने पैसे मौजूद हैं उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं, यानी निकाल लेते हैं। तो जितना एक्स्ट्रा अमाउंट आपने निकाला है अपने बैंक अकाउंट से, उतना अमाउंट आप पर लायबिलिटी है, यानी आप पर कर्ज़ा है उतना अमाउंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, यंग जनरेशन इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकती है। मोबाइल में आपके बैलेंस है लेट सपोज 20 रुपीज़, और आप रात के 2 बजे 3 बजे जो है वो इसको यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। इस्तेमाल करते करते मोबाइल का बैलेंस जो है वो ख़त्म हो गया और बात अधूरी रह गई है, कुछ बातें बाकी रह गई हैं उनको करने के लिए। फिर आपने मोबाइल कंपनी से लोन लिया, आपने कंपनी से एडवांस लिया है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 रुपीज़ का। अब आपके मोबाइल में बैलेंस हो गया 30 रुपीज़, मीन्स के 20 रुपीज़ आप इस्तेमाल कर चुके हैं, 10 रुपीज़ आपने कंपनी से लेकर और इस्तेमाल किया। तो जो 10 रुपीज़ आपने कंपनी से लेकर इस्तेमाल किया है वो आपका अपना बैलेंस नहीं था, बल्कि वो आपने कंपनी से एडवांस लिया है, यानी कि एक तरह से लोन लिया है। तो आपका जो बैलेंस है वो 20 रुपीज़ निल हो चुका है और आपका बैलेंस नेगेटिव यानी माइनस में चला गया है 10 रुपीज़। तो जब अपने अकाउंट में बैलेंस डलवाएंगे तो कंपनी पहले अपने 10 रुपीज़ डिडक्ट करेगी, मींस जो आप पे लायबिलिटी थी पहले आप कंपनी को वो लायबिलिटी वापस करेंगे और उसके बाद फिर अपना बैलेंस यूज़ करेंगे। तो टोटल बैलेंस आपने यूज़ किया 30 रुपीज़। बिल्कुल इसी तरह से आपके बैंक अकाउंट में लेट सपोज है 20,000 रुपीज़, आपको किसी कस्टमर को या सॉरी किसी सप्लायर को पेमेंट करनी है 25,000 रुपीज़ की। आपने चेक इशू कर दिया 25,000 रुपीज़ का, बैंक मैनेजर आपको परमिशन देता है या एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं तो आप अपने अकाउंट से एक लिमिट तक जो है वो ज़्यादा पैसे यूज़ कर सकते हैं। बैंक मैनेजर ने आपको फैसिलिटी दी कि भाई आप 5,000 रुपीज़ जो है वो ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। आपने 25,000 रुपीज़ का चेक इशू कर दिया अपने सप्लायर को, आपका जो बैलेंस है अब वो 20,000 था, लेकिन आपने जो चेक इशू किया वो 25,000 का इशू कर दिया। इट मींस के आपका बैलेंस माइनस में यानी नेगेटिव चला गया है 25,000 रुपीज़। इट मींस के आपने बैंक से 5,000 रुपये का कर्ज़ा ले लिया। जब आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट करवाएंगे तो पहले बैंक वो पैसे डिडक्ट करेगा जो उसने आपको उधार के तौर पर यानी कर्ज़े के तौर पर दिए थे। तो जितना अमाउंट आपने बैंक से एक्स्ट्रा लिया है अपने अकाउंट के अलावा वो कहलाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, और वो कंपनी पर लायबिलिटी है क्योंकि वो पैसे आपको वापस करने हैं, वो पैसे आपके नहीं थे। तो ओवरड्राफ्ट हो गया यहाँ पर 5,000 रुपीज़। ये हो गए यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ कंप्लीट। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ पर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती है? अ सम डेट डज नॉट हैव टू बी पेड विद इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। इसका मतलब ये है कि वो तमाम लायबिलिटीज़ जो हमें एक साल से ज़्यादा अरसे में अदा करनी है वो कहलाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। यानी कि अगर मैं बैंक से कर्ज़ा ले लूँ 5 साल के लिए तो इट मींस कि वो कर्ज़ा मुझे एक साल में अदा नहीं करना बल्कि एक साल से ज़्यादा अरसे में अदा करना है, तो वो कहलाती है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया, बैंक लोन, उमन बैंक का कर्ज़ा जो है वो एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है, तो इसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। मॉर्गेज पेबल। मॉर्गेज से मुराद ये होती है कि जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी भी इंस्टीट्यूट से या किसी भी बैंक से गिरवी रखवा कर यानी अपने कोई सामान गिरवी रखवा कर कोई कर्ज़ा लेते हैं तो उसे कहते हैं मॉर्गेज। मॉर्गेज से मुराद दोबारा बता दूं कि जब आप अपना कोई सामान या कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखवा कर बैंक से या किसी इंस्टीट्यूट से कर्ज़ा लेते हैं तो उसे कहते हैं मॉर्गेज। ये कर्ज़ा अमूमन एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है, इसीलिए इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कहा जाता है। नाउ थर्ड वन, डिबेंचर्स पेबल या बॉन्ड्स पेबल। डिबेंचर्स पेबल क्या होते हैं? जब कंपनी को पैसों की ज़रूरत यानी कैश की ज़रूरत होती है तो वो बैंक से कर्ज़ा ले सकती है, इसके अलावा वो आम पब्लिक से भी कर्ज़ा ले सकती है। अगर कंपनी बैंक से कर्ज़ा लेने के बजाय आम पब्लिक से कर्ज़ा लेती है तो उसके बदले उनको जो सर्टिफिकेट को जो इशू करती है वो कहलाती है डिबेंचर्स। तो पब्लिक से अगर कर्ज़ा लेती है कंपनी तो उसे कहते हैं हम डिबेंचर्स पेबल। ये कर्ज़ा एक साल से ज़्यादा अरसे के लिए होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। यहाँ पर हमारी लायबिलिटीज़ हो गई कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।